तो दोस्तों यही वो जगह है जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चाय की दुकान थी और हम लोग हैं अभी वडनगर रेलवे स्टेशन में। यही वो शहर है जहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी की रेलवे स्टेशन में ही चाय की दुकान थी और वो ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। ऐसी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, ये सच कहानियाँ हैं। और वही एक्सप्लोर करने, वही एक्सपीरियंस करने मैं यहाँ पर आया था वडनगर में, और अभी वापसी कर रहा हूँ। अपनी जर्नी की जो वापसी है वो चल रही है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, लेकिन स्टेशन को अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए अवतार थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है और रुमाल वगैरह बांधी है। नॉर्मली आपने स्टेशनों में क्या देखा होगा, रेलवे का इंजन बना होता है, वरना लोग बने होते हैं। और यहाँ स्टेशन में क्या बना है, चाय की केतली, समझ रहे हो ना। मतलब अच्छा लगा देख करके, ये चीज़ नई है, सही है भाई। स्टेशन के पीछे तरफ ही है बस स्टैंड वाला एरिया, भी यहीं आ गए हैं बस स्टैंड। यहाँ से लेंगे बस अभी आगे के अपने सफ़र की। उससे पहले थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जूस वगैरह पी लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा गुजराती टेस्ट भी कर लेते हैं। सुबह से ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं है तो यही सब हो जाएगा। ये पुराना बस स्टैंड का एरिया है, नया बस स्टैंड का एरिया थोड़ा और आगे, लेकिन सारी बसें जो हैं वो यहीं से होकर वहाँ जाती हैं और फिर आगे की जर्नी। अहमदाबाद तक हम लोग आज बस लेने वाले हैं, ट्रेन क्योंकि शाम 5 बजे, अब उसके लिए वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना देर वेट करना वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। उतने बजे तो अहमदाबाद हम 4:30 तक पहुँच भी जाएंगे। ये रहा देखो बस स्टैंड, यहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं। देखते हैं कौन सी कहाँ जा रही है। जो बसें गई तीनों में से कोई भी नहीं थी अहमदाबाद की, अभी बस स्टैंड पे ही हैं, वेट कर रहे हैं। देखते हैं अगली बस आएगी 2:15 पे, वो बस लेते हैं। ये अहमदाबाद है क्या? बाकी अहमदाबाद के लिए अपने को बस मिली है पूरे एकदम पैक। गर्मी के टाइम पे खिड़कियां तो गर्मियों के टाइम पे सबने खिड़कियाँ वगैरह भी खोली हुई है। यहाँ पे गर्म हवा आ रही है लेकिन अंदर इतनी भीड़ है ना कि हवा ठंडी पता चल रही है, गर्म पता ही नहीं चल रही है। एसी बसेज इस रूट में नहीं है तो आपको भाई ऐसे ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखते हैं टाइम कितना लगता है। 2:21 हो रहा है अभी, 2:20 ले लो आप अहमदाबाद। देखते हैं कितने घंटे में या कब अपनी गाड़ी पहुँचती है। बापूनगर अहमदाबाद है ना, चलो इसी भरोसे जा रहे हैं कि बापूनगर अहमदाबाद होगा। काफ़ी सस्ती है क्या? अच्छा नहीं है, 122 में हम दोनों जा रहे हैं अहमदाबाद तक। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है अहमदाबाद तक, वो भी पर किलोमीटर 1 रुपये भी, मतलब ऐसा नहीं लिया हम लोगों से। वो भी ट्रांसपोर्ट की बसें वैसे यूजुअली होती सस्ती हैं। बैंगलोर में सिटी के अंदर ही लग जाता भाई तुम्हारा से ज़्यादा, अगर 2-3 जगह चले जाते तो। चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा था एक्सपीरियंस और कब तक पहुँचते हैं। यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर रुके थे विष्टा नगर में, देखो 3 बज गए अभी हम लोग यहीं पे हैं, मतलब 40 मिनट हो गए बैठ के और 10-11 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। काफ़ी देर रुकने के बाद यहाँ से निकले हैं अभी। चलो गर्मी मेन चीज़ है ना कि बहुत ज़्यादा है शूट में। जो मैं कैसे हंसी लगे सुन।
11 हो रहे हैं, हम लोग गांधीनगर तो आ चुके हैं, गांधीनगर के अंदर ही चल रही है बस, और फिर अभी अहमदाबाद उसके बाद एंटर करेगी। 30-35 किलोमीटर यहाँ से बच रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचती है। बाकी हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो उसके लिए सिविल लाइन से उतरने के लिए कहा है कंडक्टर ने। तो ये है गांधीनगर का बस स्टैंड जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं 4:20 पे। जिनको उतरना है वो गांधीनगर वाले यहीं पे उतर जाएंगे। फाइनली जाकर के लोगों को अभी ठंडा पानी यहाँ पे मिला है गांधीनगर पहुँचने के बाद डिपो में। तो यहाँ पे भी बस 2 मिनट रुकने के बाद निकल चुके हैं यहाँ से अभी अहमदाबाद के लिए। किलोमीटर बचा है, 5 बज जाएगा मुझे लगा आराम से, 3 घंटा 3.5 घंटा मजे से लग गया। हाँ 3 घंटा कह सकते हो, 2:30 बजे वहाँ चले थे और अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेन बस स्टैंड ये है तो यहाँ भी शायद रुके थोड़ी देर अभी। बस से उतरा हूँ मैं फाइनली, पता है क्यों? यहाँ पे बढ़िया लाइन लगी हुई है और सब पानी भर रहे हैं। यहाँ पे देखो पूरी व्यवस्था है यहाँ पे सरकार की तरफ से पानी वानी भरने की। गांधीनगर भाई अभी बाकी है बहुत समय अपने पास पहुँचने के लिए, और ठंडा पानी यहाँ सबको मिला तो सब लोग भर रहे हैं। देखते हैं स्वाद कैसा होने वाला है। पानी तो खैर अच्छा ही होता है कहीं का भी हो, रमजान की कीमत ऐसी गर्मी में ही समझ आती है। आओ भाई चलो, ठंडा है बहुत, अच्छा है, मिनरल है। दादा सही था अपना, 5 बजे तक अहमदाबाद शहर के एकदम मतलब बीचों बीच आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि दूर है काफ़ी, सिविल हॉस्पिटल के पास आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे कालूपुर रेलवे स्टेशन भी बगल में है, साबरमती भी जा सकते हो। तो अभी बस उतरने ही वाले, उतर के आपको दिखाते हैं बस बस, और फाइनली यार मतलब गर्मी वगैरह की पूरी जर्नी अपनी यहाँ पर एंड होती है। अभी ये है अपनी आज की सवारी, यार बहुत बढ़िया आई है वैसे, बस आई अच्छी है, चली अच्छी है, बस ये कि थोड़ा रुकी भी है ना। को कालूपुर स्टेशन जाना है तो यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे 10-10 रुपये सवारी में। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं खाने पीने, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बस का एक्सपीरियंस था, लोकल बस आपको दिखानी थी गुजरात की GSRTC की, तो वो आज पूरा हुआ, वो भी गर्मियों के टाइम पे। चलिए जल्दी मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल एक्सपीरियंस एंजॉय करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। नवरंगपुरा वाला है ना भाई।